गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लोगों को आगाह किया है कि डेंगू से बचने के लिए जल जनित मच्छरों को पनपने ना दें, अपने घरों या आसपास में कहीं भी पानी का जमाव ना होने दें और बर्तन को ढककर ही रखें। इसके अलावा कहीं भी डेंगू का लक्षण नजर आता है तो सरकारी अस्पतालों में जाकर तुरंत जाँच कराने के साथ उसका इलाज भी करा ले। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ के घटते प्रभाव के कारण कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सघन सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके बावजूद अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो सरकारी अस्पताल में जाकर तुरंत इलाज करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, मेरा आपके माध्यम से यही अपील है सभी से कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उसमें हमें विशेष रूप से सतर्कता बरतनी है, उसको अवॉइड कराना है, सोर्स रिडक्शन कराना है, सफाई व्यवस्था रखनी है, सैनिटाइजेशन रखना है। अगर कहीं पे भी किसी को कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तुरंत हमारे सरकारी इकाइयों में डॉक्टर्स के साथ संपर्क करना है, तुरंत इलाज कराना है। अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, सभी को एक दूसरे का सहयोग करना है, कहीं स्टैंडिंग वाटर या गंदगी नहीं होने देना है और साथ साथ घरों में बर्तनों को ढक्कन लगा के बंद कराना है, कहीं छज्जों पे या कहीं पे इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जहाँ पे उन ब्रीडिंग ग्राउंड पैदा हो सके। और जैसे ही जल बाढ़ में जो प्रभावित गांव हैं, मोहल्ले हैं, जल भराव से प्रभावित मोहल्ले हैं, वहाँ पानी घटता है, तुरंत वहाँ की सफाई व्यवस्था के लिए प्रशासन को सहयोग करते हुए, प्रशासन से साथ मिलकर सहभागिता से सभी को मिलकर वहाँ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करानी है ताकि किसी भी प्रकोप से हम बच सकें।